Hey guys, तो अभी स्नाइडर कट का विलन टीजर ड्रॉप हुआ है और इसके अंदर डार्कसाइड, स्टेपनवुल्फ भी है और डेथस्ट्रोक भी है। सो लेट्स वॉच इट। This world is divided. Two separate to be one. Atlanteans. No protectors here. This world will fall. Like all the others. For Darkseid. I have turned 100,000 worlds to dust. And when this world is scorched, all of existence shall be mine. तो ये विलन ट्रेलर था। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या देख सकते हैं आगे। This world is divided. So, यहाँ पे स्टेपन वुल्फ ने थेमिस्केरा में अपना मदर बॉक्स ले लिया है, वही के एंट्री का सीन है ये। Two separate to be one. No protectors here. This world will fall. Like all the others. So, ये नए फाइट सीन है, ये पुरानी फाइट सीन नहीं है, अभी की इस टाइम के फाइट सीन है। शायद थेमिस्केरा में ऐसे करके वो अपना एक्स डालता है। For Darkseid. जैसे पिछले ट्रेलर में दिखा रखा था, वो क्या कहते हैं एक टूम स्टोन टाइप के में से फिर वो निकलता है, तब उससे बात करता है ये। तो ये वही डार्कसाइड वाइज इससे बात कर रहे हैं। इनका अपने वीडियो कॉलिंग है, ये वीडियो कॉल फीचर ऐसा होता है। I have turned 100,000 worlds to dust. तो ये पुराना फाइट सीक्वेंस है, बहुत हजारों साल पहले का, जब ये सबसे पहले योक्सस धरती पर आता है, जब अभी ये डार्कसाइड नहीं बना होता है, तो तभी का सीन है। और इसमें बहुत लोगों को दिक्कत ही हो रही थी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि वीक कैरेक्टर डिजाइन लग रहा है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अभी ये पहला ड्राफ्ट है, मतलब कि पहली बार इसको स्क्रीन पे देखा गया है, तो अभी और इम्प्रूवमेंट आएगी आगे। तो अभी उतना ही मतलब कि चलो कि ये बहुत बेकार है, अभी इसको सीधा थैनोस से कंपेयर मत करो। थैनोस को उन्होंने बार बार कम से कम 3-4 बार ही उसको इम्प्रूव किया, ये अभी फर्स्ट टाइम है, और तब भी फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया लग रहा है। When this world is scorched, all of existence shall be mine. तो ये पुरानी बैटल में योक्सस हार जाता है, लेकिन इसकी अर्थ के सारे वॉरियर्स, जितने भी ट्राइब्स ऑफ मैन है इस, और एटलांटियंस और गॉड्स सब मिलकर इसको हरा देते हैं। और एक पहले टीसी भी ड्रॉप हुआ था, वो पता नहीं किसी फैन ने बनाया था या कैसे लीक हुआ था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। I have turned 100,000 worlds to dust. Looking for those who robbed me of my glory. I will stride across their bones. And all of existence shall be mine. थोड़ा बहुत समझ आए मेरे को। So, पहले सीन में यहाँ पे अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है एपोकलिप्स अपने प्लैनेट के डार्क साइड, और राइट साइड में ग्रैनी गुडनेस है और लेफ्ट साइड में डिसार्ड। एपोकलिप्स टाइमलाइन का ये, यहाँ पे बैटमैन, साइबॉग और फ्लैश तीनों यहाँ पे होते हैं, इससे मिलने आते हैं जोकर और डेथस्ट्रोक से। जोकर डेथस्ट्रोक दोनों अलग टीम में होते हैं। Looking for those who robbed me of my glory. ये एंशिएंट वॉर में जब योक्सस पहले आता है इधर लड़ने के लिए, अर्थ को कब्जा करने के लिए, ये तब का फाइट सीन है। Stride across their bones. इस सुपरमैन के साथ में उसका हाथ स्टेपनवुल्फ का, क्योंकि शायद इस पर ये हार जाते हैं, तब बैरी वापस टाइम में जाता पीछे, तब का सीन है ये। And all of existence shall be mine. बस तो अभी 18 मार्च को मूवी स्ट्रीम हो रही है, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।